बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फबिहय्यि अलाइ रब्बिकुमा तुकज्जिबान। और तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। इन्हीं नेमतों का इस्तेमाल करते हुए आज हम बनाएंगे टेस्टी चिकन स्लाइडर। तो वीडियो को आगे देखने से पहले मेरे चैनल निदा अपी के पकवान को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक एवं शेयर जरूर कीजिएगा। आए हम आज की रेसिपी की तरफ चलते हैं। चिकन स्लाइडर बनाने के लिए हमें चाहिए मैदा, चिकन, कटा हुआ प्याज, कटी हुई शिमला मिर्च, नमक, तड़ी मिर्च, काली मिर्च पाउडर, चीनी, अंडा, बेकिंग पाउडर, यीस्ट, सफ़ेद तिल, सोया सॉस, मायोनीज, चिली केचप, ऑयल और चीज़। सबसे पहले हम चिकन स्लाइडर के लिए बंस तैयार कर लेंगे। उसके लिए हमें डो बनानी होगी। उसके लिए हमें चाहिए होगा एक बाउल। बाउल में हम 2 कप मैदा डाल लेंगे। मैदे को हमने अच्छी तरह से छान लिया। इसमें 1 बड़ा खाने का चम्मच यीस्ट, 1 बड़ा खाने का चम्मच बेकिंग पाउडर, 1 खाने का चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 स्लाइडर की स्टफिंग तैयार है। आए अब हम इसको बाउल में निकाल लेते हैं। ये देखें, चिकन स्लाइडर की स्टफिंग तैयार है। अब हम इसको 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देते हैं, जब तक हम डो को देख लेते हैं कि वो राइस हो गया है या नहीं। ये देखें, डो अच्छे से राइस हो गई है। अब हम बेकिंग पैन ले लेंगे और उसको ब्रश की मदद से अच्छी तरह से ऑयल लगा लेंगे।
बंस बेक होने के लिए तैयार है। हमने पहले ही हल्की आंच पर पतीले को प्रीहीट होने के लिए रख दिया था। इस तरह से बंस को 20 से 25 मिनट के लिए हल्की आंच पर बेक होने के लिए रख दें। बंस को रखे हुए 20 मिनट हो गए हैं। आइए अब हम चेक कर लेते हैं कि बंस बेक हो गए हैं या नहीं। ये देखें, बंस अच्छे से बेक हो गए हैं और इनका कलर भी बहुत ही ज़बरदस्त आया है। आइए अब हम इसको निकाल लेते हैं। देखें, चिकन स्लाइडर के बंस तैयार हैं। हमने बंस को 10 मिनट के लिए रख दिया था ताकि बंस अच्छे से ठंडे हो जाएं। छुरी की मदद से बंस को बीच में से इस तरह से काट लें। देखें, हमने बंस को 2 पोर्शंस में डिवाइड कर दिया है। अगर छुरी से काटते वक्त आपका बन टूट जाए तो आप बिल्कुल परेशान मत हों। आप कोई सा भी नॉनस्टिक का पैन ले लें या फिर शीशे का पैन ले लें या बाउल ले लें, जो आप इजीली ओवन में रख सकते हैं। बंस को इस तरह से पैन में लगा कर दूसरे बन से अच्छी तरह से कवर कर। अब आप इसको 5 मिनट के लिए ओवन में रख लें ताकि चीज अच्छे से मेल्ट। रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई करें, खुद भी खाएं और घर वालों को भी खिलाएं, और साथ साथ मेरे चैनल नीता पी के पकवान को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक कमेंट शेयर और व्यू ज़रूर कीजिएगा।